हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल रीजनिंग विद एनी। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके अभी अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसके में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे। और इससे हमें पता चलेगा कि एट प्रेजेंट एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल और किस तरह के पैटर्न्स हमसे पूछ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज सेटनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको अपने नंबरों को एज अ होल ही लेकर चलना है, ठीक है। सो आपके पास जो भी नंबर है 152, 31, 47, इस सबको आपको एज अ होल लेकर चलना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से गिवन सेट है और क्या किसके किसके साथ कैसे रिलेशनशिप बने हुए हैं। सो हमारा पहला गिवन सेट यहाँ पर दिया हुआ है, 31 का रिलेशनशिप है 152 के साथ। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा गिवन सेट दिया हुआ है वो है 47 का रिलेशनशिप है हमारे 168 नंबर के साथ। अब ये दोनों आपस में किस हिसाब से लॉजिकली किस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन देखते ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं, डिफरेंस से शुरुआत कर सकते हैं। सो 152 और 31 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 माइनस 1 किया 1, 5 माइनस 3 किया 2 और फिर 1। सो हमें जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है वो 121 का दिख रहा है। इन दोनों के बीच में भी हम निकालेंगे डिफरेंस। सो 8 माइनस 7 यहाँ पे आया 1, 6 माइनस 4 यहाँ पर आया 2 और फिर ये 1। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में एक ही जैसा डिफरेंस है, वो है 121। इसका मतलब या तो आप ये कर सकते हैं कि 31 में आपने 121 को ऐड किया तो आपको 152 आया। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है कि आपने अपने ए टर्म यानी कि 31 में जो आपका ए टर्म था इसमें आपने प्लस कर दिया 121, और शॉर्ट फॉर्म के लिए हम ऐसे कह सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है। सो ए प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बी यानी कि 152, ठीक है। सो 152 है आपका बी और 31 है आपका ए, ठीक है। सो ए का रिलेशनशिप बी के साथ कैसे है, आपने ए में प्लस कर दिया 11 का स्क्वायर यानी कि 121। तो अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चनेबल टर्म हमें पूछा गया है वो क्या है, 66 का, 66 जो है इसका क्या रिलेशनशिप बनता है उसके नंबर के साथ। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 66 के साथ में कौन सा नंबर आएगा, उसके रिलेशनशिप वाला नंबर क्या है। सो अगर आपका 66 ए है तो आपने क्या करना है, अपने 66 नंबर में 121 को ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपको बी पार्ट आ जाएगा। सो ये आपका ए है, इसमें आपने 121 को ऐड किया तो आपको बी आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 1 किया यहाँ पे 7 आया, 6 प्लस 2 किया यहाँ पे 8 आया और ये 1। इस तरह से हमारा जो बी टर्म है 66 का रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 187 के साथ। आई होप आपको समझ में आया ये, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, बस ए टर्म पे आपके ए टर्म में आपने 121 को ऐड किया आपको बी टर्म मिला, ठीक है। ए में आपने 121 को ऐड किया आपको बी टर्म मिला, ए में आपने 121 को ऐड किया और आपको बी टर्म मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये एक साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें आपको बता दिया गया है कि कौन सी साइन किसके साथ चेंज हो रही है, सो इससे क्या है बहुत ही ज़्यादा आपका लाइक आधा वर्क तो क्वेश्चन में ही हो गया है। सो प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, इसी तरह इंटू और डिवाइड एक दूसरे के साथ में चेंज हो रहे हैं। सो आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा किसके साथ चेंज हो रहा है। सो बेसिक साइन इंटरचेंज के क्वेश्चंस में क्या होता है, वहाँ पे आपको सोचना होता है कि कौन से वाले साइन को आप चेंज करोगे जिससे इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सी साइन चेंज हो रही है। सो अब आपका आधा काम यहाँ पर हो चुका है और आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने का काम करना है। सो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है, इसमें आपने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि ये जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड दिया हुआ है इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और फिर आपका एक न्यू इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा। सो 5 माइनस 4 लिखा है तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय का इनटू हो जाएगा, 9 आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर 80 है,
80 के बाद इंटू 10 है तो इंटू हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 10 आ जाएगा। सो इस तरह से हमारी ये न्यू इक्वेशन बनती हुई हमें दिख रही है। अब बस इसको आपने सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 80 और 10 तो यहाँ हो जाएगा 10 एट ज़ा 80। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी कि 9 फोर ज़ा 36। सो हमारे पास जो बच गए आंसर वो ये है कि 5 प्लस 36 माइनस 8। इसके बाद इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सो 36 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 6 5 11 होता है, तो ये हो गया 41 माइनस 8। 41 में 8 को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 33 आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो बेसिक सा इक्वेशन ही आपको सॉल्व करना है, बॉडमास रूल अप्लाई करना है, और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी नई इक्वेशन बनानी है, जो भी आएंगे आपको दिए गए हैं उनको इंटरचेंज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस क्लास का है मिसिंग नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में से, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि 1, 3, 10, 41 क्वेश्चन मार्क और 1, 2, 3, 7 इस तरह के इस सीरीज के बीच में हर एक नंबर के बीच में दूसरे नंबर का क्या कनेक्शन है। वो कनेक्शन, वो पैटर्न हमें, वो लॉजिक मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे नंबर का एकदम से बड़ा नंबर हो जा रहा है। सो यहाँ पर पहला अप्रोच ये आता है कि आप एडिशन कर सकते हैं, दूसरा आता है आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ये दोनों काम नहीं आए तब हम पहुँचते हैं स्क्वायर्स पे और क्यूब्स पे, ठीक है। सो हम पहले अभी यहाँ पर एडिशन का देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। तो 1 को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, 1 में हमने प्लस 2 किया तो हमें 3 आया। लेकिन 3 को 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 में हम कर सकते हैं 7 को ऐड। सो 7 में 3 और 7 यानी कि यहाँ पर ऑड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 5 नंबर का गैप के साथ में ऑड है। लेट्स चेक, क्या 10 को 41 बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और ऑड कर सकते हैं। तो 3 और 7 के एडिशन से हमारा 10 तो आ गया, लेकिन 7 के बाद अगर यहाँ पे हम एक नंबर 9 को ऑफ करके यहाँ पर 10 के साथ में हम 11 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 21 आएगा, ना कि 41। इसका मतलब इस हिसाब से ऑड नंबर्स के डिफरेंस के साथ में तो हमारे यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, तो एडिशन तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। एडिशन नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटू का यानी कि मल्टीप्लीकेशन का अप्रोच लगाएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन के अप्रोच के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 को हमें 3 बनाना है। 1 का 3 कैसे बनेगा, सो 1 को अगर हम इंटू 2 करके फिर प्लस 1 करते हैं तो 3 बन जाएगा, ठीक है। सो 1 का हमने क्या किया, 1 इंटू 2 किया, 2 1s 2 और प्लस 1 3, इस हिसाब से हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया। अभी हम सेकेंड नंबर को 10 कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा है, 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, 9 में प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक हुआ है इंटू 2 में प्लस 1 और फिर नेक्स्ट में ये इंटू 2 हमारा इंटू 3 में चेंज होके प्लस 1 हो गया। सो इसका मतलब 3 लाने के लिए हमने इंटू 2 किया, 10 लाने के लिए हमने इंटू 3 किया। सो 41 के लिए हम 10 के साथ क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ जाएगा, इंटू 4 प्लस 1 करेंगे तो हमें आएगा 41, ठीक है। सो इंटू 4 यानी 10 का 4 टाइम्स 40 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास 41 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना होगा, 41 को हमें करना होगा, 41 में हम कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाला इंक्रीज नंबर यानी कि इंटू 4 का इंटू 5 हो जाएगा। सो 5 1s 5 एंड 5 4s 20, इस हिसाब से 205 आया और इसमें हम प्लस कर देंगे एक नंबर, तो 205 में एक को प्लस किया तो 206 हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑप्शन नंबर 1, 206, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। सो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला है, इंटू 2 प्लस 1 देन इंटू 3 प्लस 1, सो हर एक नेक्स्ट नंबर के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको अगर आपने पिछली वाली क्लास करी है तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में एज अ बोनस क्वेश्चन दिया था फॉर योर प्रैक्टिस बेस। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर क्लियरली रिमेंबर हमारा आंसर क्या था, 55 था। लेट्स चेक ये आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं।
सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 49.85 का नंबर, इसमें आपने करना है -5.31 और एडिशन में दिया है 9.97। सो ये आपकी इक्वेशन है, बॉडमस रूल को फॉलो कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। सो 49.85 में आपने प्लस करना है 9.97, क्योंकि हमें पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द बॉडमस रूल, ठीक है। सो 49.85 में 9.97 को ऐड करोगे तो ये 7 और 5 का यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12। सो अभी यहाँ पे सेपरेटली देख लेते हैं। सो ये हो गया 49.85 और ये हो गया 9.97, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 5 यहाँ पे 12 आएगा, 2 और 1 कैरी जाएगा, 8 और 9 का आपका 17 होता है और एक कैरी 18। सो यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी एक कैरी है, 9 का 2 टाइम्स 18 होता है और 1 कैरी 19। इस हिसाब से फिर 4 और 1 5। सो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन आ रहा है 59.82। सो ये जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आएगा, अभी आ गया आपका 59.82 और इसमें आपने कर देना है -5.31, ठीक है। इसमें आपने -5.31 कर देना है। सो 2 में से 1 गया यहाँ पे आया 1, 8 में से 3 गया यहाँ पर आया 5 और फिर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, एंड देन 9 में से 5 गया यहाँ पर आया 4 और ये 5 जो लेफ्ट हो गया था। सो 54.51 आता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करेंगे तो ये 0.5 की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 55। सो हमारा आंसर क्या था, 55, एंड यस इसका आंसर 55 ही है। सो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो गया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से सेटनलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमें कैसे पता चले ये सेटनलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है नोट, ठीक है। नोट जिस क्वेश्चन में भी दिया है और आपको इस तरह से गिवन सेट्स दिए जाते हैं कुछ नंबरों के, तो इसका मतलब वो सेटनलॉजी का क्वेश्चन है। सो सेटनलॉजी के क्वेश्चन के लिए हमने क्या एक नई चीज़ सीखी कि हम सेटनलॉजी का क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फिगर आउट कि 149 किस हिसाब से 213 के साथ कनेक्टेड है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 149 और 213 के बीच का हम डिफरेंस देखने वाले हैं। सो 13 में से 9 गया, हमें यहाँ पर मिल गया 4, फिर ये हो गया 0, 20 में से 14 गया, हमें यहाँ पर मिल गया 6। सो इन दोनों के बीच में है 64 नंबर का डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले गिवन सेट को देख लेते हैं, 168 और 232। सो 168 और 232 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 12 में से 8 गया, हमें यहाँ पर मिला 4। सो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गया, हमें फिर से मिला 6। सो इस हिसाब से हमें जो सेकेंड गिवन सेट है उसमें भी 64 का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके फर्स्ट वाले नंबर में अगर हम ऐड करते हैं 64 तो हमें सेकेंड वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा, सो जो भी गिवन नंबर यहाँ पर सेकेंड नंबर है वही आएगा, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं वो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। सो 144 में अगर आप 64 को ऐड करते हैं तो लास्ट में आएगा 4 4 का 8, करेक्ट 8 है, लेकिन यहाँ पे 6 और 4 का हो जाएगा 10। तो यूनिट डिजिट पे तो 8 करेक्ट है, लेकिन टेंथ डिजिट पे 0 आना चाहिए और हमें दिया है 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम जाते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे है 162, इसमें आप 64 को ऐड कर दोगे तो 4 और 2 6 आता है। यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए लेकिन आपको 2 दिया है, सो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन में दिया है 153, इसमें आपने 64 को ऐड करना, 4 3 का 7 हो गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट सही जा रही है, 6 5 का 11 1 करेक्ट और ये 1। सो इस हिसाब से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 217 जो है यहीं पे ये करेक्ट आंसर हो रहा है इसका। सो 217 आ रहा है वो वैल्यू जो हमें मिल रही है 153 में डिफरेंस वाला 64 को ऐड करने से। सो 64 के साथ में ये वाला हो गया आंसर, 153 का 217 ये जो गिवन सेट है यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आपने कुछ नया पैटर्न सीखा, और यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि सेटनलॉजी का क्वेश्चन पैटर्न्स के साथ साथ डिफरेंस के साथ भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसको हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में।
तो देखना ना भूलें अगली क्लास को भी, और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।